मंगलवार को कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में तमाम वादे किए गए, लेकिन एक ऐसी बात भी कही गई जिससे देश में एक नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि सत्ता में आने पर कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी एफ्सपा की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस के इस वादे ने एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। इस घोषणा के बाद से ही बीजेपी पूरी तरह आक्रामक हो गई है। वो कांग्रेस पर आतंकवादियों को बढ़ावा और आर्मी का मनोबल कम करने का आरोप लगा रही है। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कानून है क्या। एफ्सपा को 1 सितंबर 1958 को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत में लागू किया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा रोकने के लिए इसे लागू किया गया था। 1990 में इसे जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कानून के तहत आर्मी को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। अगर किसी जगह पर हालात ज्यादा बिगड़ जाए और वहां की राज्य सरकार स्थिति पर काबू ना कर पाए तो आर्मी को मदद के लिए बुला लिया जाता है। उस समय आर्मी के पास कुछ विशेष अधिकार आ जाते हैं, जैसे किसी भी संदिग्ध को बिना किसी वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। चेतावनी के बाद अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है, अशांति फैलाता है, तो उस पर फायरिंग का प्रयोग किया जा सकता है। बिना वारंट किसी के घर में अंदर जाकर उसकी तलाशी ली जा सकती है। इसके लिए जरूरी बल का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली जा सकती है। अब अगर कानूनी भाषा में बोला जाए तो एफ्सपा कानून कहता है कि आर्मी को सरकार द्वारा विशेष अधिकार तब दिए जा सकते हैं अगर सरकार को ऐसा लगे कि किसी जगह पर हालात काफी नाजुक है और राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रण करने में सक्षम नहीं है, तो सरकार ये कदम उठा सकती है। वैसे जब किसी राज्य की स्थिति में सुधार आता है या सरकार को लगता है कि अब राज्य की पुलिस स्थिति पर काबू पा सकती है, तब ये कानून हटा लिया जाता है। ऐसा कई बार इसी देश के अंदर हो चुका है। इतिहास में ऐसी कई मिसालें हैं जहां एफ्सपा कानून को राज्यों से हटाया गया है। 2015 में त्रिपुरा को एफ्सपा से मुक्त किया गया था। बीते साल अप्रैल में ही मेघालय से इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश में एफ्सपा कानून का इस्तेमाल काफी कम कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में इसे सिर्फ 8 थाना क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया है। पंजाब और चंडीगढ़ भी इसके दायरे में आए। हालांकि 1997 में इस कानून को वहां से खत्म कर दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर में एफ्सपा कानून अभी नहीं हटाया गया है। अब वर्तमान की कश्मीर घाटी की स्थिति को समझिए। साउथ कश्मीर में रोज कितने आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, हमारे कितने सारे सैनिकों को अपनी शहादत देनी पड़ रही है। अब ऐसे समय में एफ्सपा कानून आर्मी को कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने में मदद करती है। सिर्फ यही नहीं, नागरिक की सुरक्षा को देखते हुए एफ्सपा कानून कारगर साबित होता है। अब ऐसे में अगर एफ्सपा कानून के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो घाटी में स्थितियां और खराब हो सकती हैं और आर्मी का मनोबल भी टूट सकता है। ऐसे में कांग्रेस की इस घोषणा पर सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।